तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को ले चलते हैं एक अच्छे लोकेशन की तरफ। दोस्तों, ये ज़मीन आप सभी को मिल रही है एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे इलाके में जहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। बात करें तो आप सभी लोग यहाँ पर किसी भी प्रकार की खेती कर सकते हैं, चाहे जो भी खेती करना चाहते हैं इस जगह पर आप सभी लोग कर पाएंगे। दोस्तों, ये ज़मीन खेती के योग्य है और दोस्तों ये ज़मीन आप सभी को बिल्कुल सस्ते दाम में मिलने वाली है। बात करें तो आप सभी को एक किस्त पर भी मिल जाएगी। दोस्तों, ऐसी ज़मीन बहुत ज़्यादा खोज पड़ताल के बाद मिलती है। बात करें दोस्तों, जो ज़मीन जो आप सभी के लिए मैंने खोज के लाई है दोस्तों, एक ऐसे लोकेशन की ज़मीन है जो कि दोस्तों आप सभी को काफ़ी बेहतर पसंद आने वाली है। आप सभी लोग देख सकते हैं, पूरा हरा भरा इलाका है। दोस्तों, यहाँ पर हर एक पौधे, फूल, पत्ती, आप चाहें तो यहाँ पर एक अच्छी फूल की खेती भी कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। पानी की बात करें तो आप सभी को यहाँ पर पानी मिल जाएगा आसानी से। बात करें दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग एक खेती बहुत अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर खेती फूल की बहुत अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। दोस्तों, आप सभी से बात करें तो जो आप सभी को बीच में ज़मीन दिखाई जा रही है दोस्तों, ये आप सभी के बीच उत्तर प्रदेश के बहुत ही अच्छे ज़िला झांसी, झांसी का एक छोटा सा गांव मौरानीपुर का है। दोस्तों, इलाका बहुत सुनहरा है। हालांकि दोस्तों गर्मियों के दिन में यहाँ थोड़ा गर्मी होती है, लेकिन दोस्तों ठंडी के दिनों में ये बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल हो जाता है। हम दोस्तों बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा ना तो ठंडी पड़ती है और ना ही ज़्यादा गर्मी। बात करें दोस्तों तो इस इलाके में लोग बादाम की खेती किया करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं कि बारिश का मौसम है, काफ़ी बेहतर इलाका है और दोस्तों बहुत सारे लोग इस इलाके में ज़्यादातर करके भाड़े पर खेत लेकर दोस्तों यहां पर बादाम की खेती करते हैं। दोस्तों बात करें तो दोस्तों ये इलाका इतना अच्छा है कि दोस्तों आप सभी लोग जाकर खुद को बहुत अच्छा फील करेंगे। दोस्तों, जो लोग इस जगह पर घर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए तो काफ़ी बेहतर होने वाला है। थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, ज़्यादा पहाड़ी नहीं है, लेकिन दोस्तों कुछ दूरी तक फैली हुई पहाड़ी है जहां पर दोस्तों इन पहाड़ियों पर ये की जाती है आप सभी के लिए बहुत पसंदीदा दोस्तों यहां पर बादाम की खेती की जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आज भी लोग उसी पुरानी रीति रिवाज से जीते हैं जो कि हमारे पूर्वज जिया करते थे। इनके रहन सहन बहुत ही ज़बरदस्त हैं। दोस्तों बात करें तो आज भी ये चूल्हे पर खाना बनाते हैं, जो कि दोस्तों इनके रहन सहन हमको काफ़ी पसंद आया और आप सभी को भी काफ़ी पसंद आएगा इनका रहन सहन देखकर, अगर आप इस इलाके में एक ज़मीन ले लेते हैं तो। दोस्तों बात करें तो आप सभी को ये ज़मीन बिल्कुल सस्ते दाम में मिलने वाली है। और दोस्तों, आप चाहते हैं कि पहले पैसा देकर, कुछ पैसे पे कर आप बाद में भी देना चाहते हैं तो इस इलाके में आप सभी को ज़मीन मिल जाएगी। दोस्तों, इलाका है झांसी मौरानीपुर। दोस्तों, आप सभी को शायद अंदाज़ा पड़ गया होगा, आसपास का एरिया जो है हरपालपुर, समझ सकते हैं आप सभी लोग। हरपालपुर दोस्तों थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, उसी से लगभग 15 किलोमीटर दूर तहसील भी मौरानीपुर की ही पड़ती है और दोस्तों वहीं पर ज़मीन अवेलेबल है। दोस्तों बात करें तो यहाँ पर जो बालू है वो भी दोस्तों लगभग 500 रुपये ट्राली है, आप सब लोग समझ सकते हैं ट्राली, जो कि दोस्तों हमारे इलाके में लगभग 8000 रुपये ट्राली हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ से एक नदी गुजरती है जिसमें लाल बालू पाया जाता है, इसलिए दोस्तों उस इलाके में बहुत ही सस्ता बालू मिल जाता है आप सभी को। दोस्तों बात करें तो आप सभी लोग भी इस इलाके में ज़मीन ले सकते हैं, काफ़ी बेहतर होने वाली आप सभी के लिए ज़मीन है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग को मैं अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकूं और आप सभी के बीच में ऐसे ही लॉन्ग वीडियो आते रहेंगे। हालांकि मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो बनाए थे, ज़्यादा लोगों को समझ में आता था नहीं आता था, लेकिन दोस्तों आप सभी को पूरी डिटेल जानकारी आप सभी को मिलती जाएगी, आप सभी लोग देख कर काफ़ी पसंद आने वाला है आप सभी को। दोस्तों बात करें तो मेरा नाम गोविंद हुआ और दोस्तों मैं भी आपके उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। हालांकि दोस्तों अब इस चैनल पे आप सभी को बहुत परफेक्टली और बहुत ही जैसे दोस्तों आप सभी लोग चाहते हैं जिस प्रकार से वीडियो, आप सभी को उसी प्रकार से वीडियो मिलेगा और दोस्तों पूरी डिटेल के साथ मिलेगा। दोस्तों, अगर आप सभी लोग को चाहिए कोई भी ज़मीन तो दोस्तों आप सभी को पूरी डिटेल मिल जाएगी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप सभी को पूरी की पूरी ज़मीन मिलेगी। हालाँकि आप सभी लोग इस ज़मीन को देख पा रहे होंगे,
काफ़ी बेहतर है दोस्तों, काफ़ी हरी भरी ज़मीन है। और दोस्तों आप सभी को कुछ निर्माण दिख रहा होगा दोस्तों, इस इलाके में कुछ कंपनियां खड़ी हो रही हैं दोस्तों। उनके कंपनियां खड़ी होने के कारण दोस्तों यहां से लगभग ग्वालियर की दूरी लगभग 68 किलोमीटर की दूरी है, समझ समझ सकते हैं, ग्वालियर की दूरी 68-70 किलोमीटर कुछ ऐसे है। और दोस्तों यहाँ से झांसी की दूरी दोस्तों, जहाँ से मेन झांसी की दूरी जो है वो लगभग 28 किलोमीटर पड़ जाता है, समझ सकते हैं आप सभी लोग। काफ़ी बेहतर रहेगा अगर आप सभी लोग इस इलाके में ज़मीन ले लेते हैं तो दोस्तों। आप सभी के लिए आपका भाई हमेशा प्रयास करता है कि अच्छी लोकेशन की ज़मीन दिलाए, ताकि आप सभी लोग ऐसे लोकेशन की ज़मीन लें और दोस्तों आप सभी लोग के लिए बेहतर लोकेशन की ज़मीन मिले। बात करें दोस्तों तो आप सभी के लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है, काफ़ी ज़बरदस्त इलाका रहेगा आप सभी के लिए। और अगर आप सभी लोग इस इलाके में ज़मीन ले लेते हैं तो देख सकते हैं कितना हरा भरा है, कुछ बिल्डिंगें यहां पर बनाई जा रही हैं दोस्तों, क्योंकि यहां पर दोस्तों यहां पर कुछ इंडस्ट्रियाँ का निर्माण हो रहा है दोस्तों। आप सभी से बात करें तो अपना उत्तर प्रदेश भी बहुत आगे जाने वाला है। जो भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशी है। आप सभी से बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दोस्तों गोरखपुर में आपका इंटरनेशनल क्रिकेट मैदान और दोस्तों वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। बहुत सारी कंपनियां जो कि दोस्तों मुंबई दिल्ली जो दोस्तों बहुत सारी कंपनियां जो कि दोस्तों अपना जगह वहीं बना रही हैं दोस्तों। आप सभी से बात करें तो इस इलाके में अगर आप सभी लोग ज़मीन ले पाएंगे तो दोस्तों आने वाले समय में कुछ भी प्रॉफिटेबल हो सकता है आप सभी के लिए, काफ़ी बेहतर हो सकता है दोस्तों। अगर आप सभी लोग को इस इलाके में ज़मीन चाहिए तो आप सभी लोग मुझसे कॉन्टैक्ट डायरेक्टली कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों आप सभी को एक समय मिलेगा, उस समय पर अगर आप सभी लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं तो हो सकता है कि मैं आप सभी से डायरेक्टली बात भी कर पाऊँ। मोबाइल नंबर मैं प्रोवाइड करता हूँ आप सभी को फाइनली आज, तो आप सभी लोग मुझसे बात भी कर पाएंगे और दोस्तों आप सभी को ज़मीन भी मिल पाएगी। हालांकि दोस्तों कुछ भी ज़्यादा कमेंटबाजी आप लोग ना करें, पूरा क्लियर टू क्लियर बात करें हमसे, जो भी लेना है नहीं लेना है, कब चाहिए कब नहीं चाहिए, पूरी डिटेल आप सभी को मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर जिनको भी चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर आप सभी को कॉन्टैक्ट बॉक्स में नीचे मिलेगा, तो आप सभी लोग आसानी से मुझसे बातें कर पाएंगे। और दोस्तों टाइमिंग आपका रहेगा लगभग सुबह से 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, 1.5 घंटा शाम को समय दे रहा हूँ आप, सुबह को समय दे रहा हूँ। और दोस्तों शाम को आप सभी को मिलेगा लगभग 7:30 से लेकर 8 बजे के बीच में आप सभी लोग बातें कर पाए। हालांकि दोस्तों आप सभी लोग को बात करने के लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा, आप सभी लोग बात करके हर एक चीज़ क्लियर कर पाएंगे। हालांकि दोस्तों थोड़ा स्लो मोशन में आप सभी को हर एक चीज़ दिखा रहा हूं, तो आप सभी को देखकर भी काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि दोस्तों इतनी हरी भरी ज़मीन है दोस्तों, आप सभी को शायद बहुत पसंद आ रही होगी दोस्तों। बात करें तो ऐसे इलाकों में ज़मीन मिलना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, लेकिन आप सभी के लिए ऐसे इलाके में ज़मीन मिल रही है। चलिए दोस्तों फाइनली आप सभी से बात करके बहुत खुशी हुई। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।